बैनर एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि बैनर एडवर्टाइजमेंट जनरली होता क्या है, कोई एक रेक्टेंगुलर शेप का एक ग्राफिक होता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा टाइप का ग्राफिक होता है, तो उससे आप लोग समझोगे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट्स में हम लोग देखते हैं, ठीक है, वेबसाइट्स में हम लोग देखते हैं, या फिर हम लोग मोबाइल ऐप में हम लोग देखते हैं, या बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स होते हैं, वहाँ पे भी हम लोग इस टाइप के एड्स देखते हैं, ठीक है। इस टाइप के छोटे छोटे वर्टिकल एड्स होंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे वेबसाइट में जो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होता है, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, बैनर एड्स होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, बैनर एड्स होते हैं, ठीक है। तो यही सारे बैनर एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बैनर एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। जैसे कोई भी एक वेबसाइट है, उसमें इस टाइप का छोटा छोटा क्या होता है, इमेजेस होंगे, उसमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिख रहता है। जैसे मान लो ये वाला है, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग बहुत सारे वेबसाइट्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके कंपनी का नाम लिखा होता है, फिर उसका कुछ ऑफर्स वगैरह जो लिखे रहता है वो होता है, फिर उसके बाद उस एड पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट हम लोग को कहीं और कर देता है, उसके वेबसाइट पे हम लोग को कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो बैनर एडवर्टाइजमेंट है वो काम करता है। तो वेबसाइट में कहीं पे भी वो हो सकता है, जहां पे भी हम लोग प्लेस करना चाहे हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग बैनर एडवर्टाइजमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे लगे रहता है, वो वेबसाइट्स में होते हैं, ठीक है, वो मोबाइल ऐप में हो सकते हैं, एंड्रॉयड हो या फिर आईफोन हो, ठीक है। हम लोग यूट्यूब्स में भी हम लोग देखते हैं, यूट्यूब में भी जब हम लोग देखते हैं तो नीचे एक छोटा सा स्टिकर टाइप से आ जाता है, ठीक है। अभी मैं इस सिस्टम में उसको नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसमें मैंने एड ब्लॉकर डाल के रखा है, ताकि वो हम लोग को एडवर्टाइजमेंट ना दिखे, ठीक है। ठीक है, तो YouTube वगैरह में भी जो हम लोग देखते हैं ऐड, वो क्या होता है, बैनर एडवर्टाइजमेंट होता है। तो अलग अलग टाइप के बैनर एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं। तो जनरली इससे फायदा क्या है, क्योंकि हम लोग दिन भर आजकल ब्राउज करते रहते हैं, मतलब ब्राउज करना मतलब इंटरनेट सर्फिंग हम लोग करते रहते हैं, इंटरनेट सर्फिंग हम लोग करते रहते हैं। तो इंटरनेट सर्फ हम लोग जब करते हैं तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स में हम लोग जाते हैं, जहाँ पे हम लोग को अलग अलग टाइप के एड्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। चाहे वो हम लोग वीडियो एड्स हो, या फिर कुछ इमेजेस के फॉर्म में रहता है, कभी कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे हम लोग क्या देखते हैं, एड्स देखते हैं, ठीक है। उसी को ही हम लोग यहाँ पे बैनर एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, ठीक है। बैनर एडवर्टाइजमेंट रिफर टू यूज ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्राफिक डिस्प्ले दैट स्ट्रेचेस अक्रॉस द टॉप बॉटम और साइड ऑफ ए वेबसाइट और ऑनलाइन मीडिया प्रॉपर्टी, ठीक है। वो एक रेक्टेंगुलर शेप का होगा, रेक्टेंगुलर शेप का होगा, ठीक है। उसमें कुछ ग्राफिक्स हो सकता है, कुछ ऐसे कंटेंट हो सकते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी कंपनी का प्रचार करता है, ठीक है। वो टॉप में हो सकता है, बॉटम में हो सकता है, साइड में हो सकता है, ठीक है। वेबसाइट में वो कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ बैनर एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड लीडर बोर्ड। हॉरिजॉन्टल टाइप का जो बैनर एडवर्टाइजमेंट होता है, मतलब अगर मैं इसको दिखाऊं हॉरिजॉन्टल में, अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो है, ये इसको हम लोग बोलते हैं लीडर बोर्ड। क्या बोलते हैं, लीडर बोर्ड बोला जाता है हॉरिजॉन्टल में जो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वाइल द वर्टिकल बैनर्स आर कॉल्ड स्काई स्क्रैपर, ठीक है। जो वर्टिकली होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्काई स्क्रैपर, ठीक है। जैसे इस टाइप के एड्स होते हैं, ये वर्टिकल वाले, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्काई स्क्रैपर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को हम लोग बोलते हैं लेडर बोर्ड, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्काई स्क्रैपर, ठीक है। एंड आर पोजिशन ऑन वेब पेज साइड बार, एंड आर पोजिशन ऑन ए वेब पेज साइड बार। बैनर एड्स आर इमेज बेस्ड रेदर देन टेक्स्ट बेस्ड एंड आर पॉपुलर फ्रॉम ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जितने भी बैनर एड्स होते हैं, जैसे इमेज बेस्ड है, ठीक है, तो
तो इमेज बेस्ड भी हो सकते हैं, साथ में वो टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एंड आर पॉपुलर फ्रॉम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, ठीक है। मतलब बैनर एडवर्टाइजमेंट अगर हम लोग देखें तो वो चीप भी होता है, मतलब सस्ता होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, और हम लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे हमारा मान के चलो कोई भी एक बिजनेस है, कोई भी एक बिजनेस अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर उसके बारे में हम लोग को किसी को भी प्रचार करना है, जैसे कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग जो है उसको चाहते हैं कि वो छत्तीसगढ़ में हो, जितने भी एप्स हो या फिर जितने भी यहाँ के वेबसाइट हो सब में वो डिस्प्ले हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गूगल एड्स में हम लोग उस एडवर्टाइजमेंट को एक ग्राफिक डिज़ाइन करेंगे, उसका भी एक पर्टिकुलर साइज होता है, अलग अलग साइज में हम लोग डिज़ाइन करते हैं और वहाँ पे गूगल एड्स में हम लोग उसको दे देते हैं, तो गूगल एड्स में जैसे ही हम लोग उसको देंगे तो वो अप्रूव करेगा और उसको सर्कुलेट करना चालू कर देगा। कुछ पे करना पड़ता है वहाँ पे, $2 $4 ऐसे, आपको 200 300 रुपये 500 रुपये रहता है, ज़्यादा रेट नहीं रहता, और उसका कुछ ऑडियंस हम लोग सेट कर देते हैं, ठीक है। ऑडियंस सेट कर दिए, मान लो हम लोग छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हम लोग सेट कर दिए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जैसे ही हम लोग उसको सेट कर दिए तो वो छत्तीसगढ़ में जितने भी वेबसाइट पब्लिश हुई है, ठीक है, या फिर छत्तीसगढ़ के जितने ऐप्स चल रहे हैं, या फिर छत्तीसगढ़ के पब्लिक जितने भी वो ऐप या फिर वेबसाइट यूज कर रही है, ठीक है, उसको वो एडवर्टाइजमेंट दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारा साई कॉलेज, साई कॉलेज के भी बैनर एड्स होते हैं, और बहुत सारे बैनर एड्स जो है वो अलग अलग वेबसाइट्स में डिस्प्ले किया जाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स है वहाँ पे दिखता है, ठीक है, या फिर हमारे और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो लोकल वेबसाइट्स भी चलते हैं, बहुत सारे शॉप्स है उनके भी वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ पे भी उस बैनर एड्स को प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो द बेसिक्स ऑफ बैनर एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग हैज गॉन फ्रॉम अनसर्टेन बेट ऑफ सर्विंग एज द प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर मोस्ट कंपनीज मार्केटिंग, ठीक है। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग जो होता है वहाँ पे हम लोग जो देखते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है, वो एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म दिया है। तो इंटरनेट ही आज के डेट पे जो भी इंसान है, जो भी यहाँ पे जो पब्लिक है, सबसे ज़्यादा इंटरनेट से जुड़ी होती है, ठीक है, दिन की शुरुआत से दिन के अंत तक, ठीक है। बिना इंटरनेट के कोई काम नहीं होता, हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ उसमें देखते रहते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, हम लोग फेसबुक चलाते हैं, हम लोग ट्विटर चलाते हैं, ठीक है, हम लोग आजकल रील्स देखते हैं, ठीक है, पहले टिकटॉक था तो टिकटॉक भी चलता था, ऐसे स्नैपचैट बहुत सारे हम लोग देखते हैं, तो उसमें सब में एडवर्टाइजमेंट आता है, हम लोग सबवे सर्फर खेलते हैं, हम लोग पबजी खेलते हैं, सब में एड्स आते हैं, ठीक है। बिना एड्स के कोई भी मोबाइल ऐप या फिर कोई भी मोबाइल में अगर कुछ भी चीज़ हम लोग ब्राउज करते हैं, बिना एड्स से कुछ नहीं आता, हर चीज़ में एड्स आते हैं, तो ये सब क्या है, बैनर एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, तो बैनर एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंपनीज जो है यही बैनर एडवर्टाइजमेंट पे ही डिपेंड होती है, अपनी मार्केटिंग अपने बैनर एड से ही करती है सबसे ज्यादा, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट क्या करता है, वो इतनी सारी सर्विस देता है, ठीक है, कि हम लोग सिर्फ बोलें और वो चीज़ें लाके डिस्प्ले कर देता है, उस चीज़ की भी एडवर्टाइजमेंट करता है। आजकल देखोगे कि फिलहाल 3 4 दिन से मैं देख रहा हूँ, जब भी हम लोग कोई भी यूट्यूब में ऐड देखते हैं, एक गूगल असिस्टेंट का ऐड 100% दिखाएगा ही दिखाएगा, कोई भी वीडियो चालू होने से पहले, ठीक है। तो वो सब क्या है, एक प्रकार का बैनर एडवर्टाइजिंग है, लेकिन वो वीडियो के फॉर्म में। तो बैनर एडवर्टाइजमेंट ऐसे जरूरी है कि कोई इमेज के फॉर्म में हो, ठीक है, वो वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ठीक है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंटिन्यूस टू ग्रो बाय डबल डिजिट्स ऑन एन एनुअल रेवेन्यू बेसिस विथ 2019 रेवेन्यू एक्सीडिंग 124.6 बिलियन, ठीक है। मतलब जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं वो एडवर्टाइजिंग करती है अलग अलग वेबसाइट में, ठीक है, उनका रेवेन्यू 124.6 बिलियन डॉलर्स है, ठीक है, मतलब इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक
बैनर एडवर्टाइजिंग ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कंसिस्ट ऑफ स्टैटिक और एनिमेटेड इमेजेस और मीडिया एंड आर यूजुअली पेज इन हाई विजिबिलिटी एरियाज ऑन ट्रैफिक वेबसाइट्स। ठीक है, बैनर एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि जनरली एक ऐसा डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग होता है जहाँ पे कुछ एनिमेटेड इमेजेस होते हैं और कुछ मीडिया होता है। मीडिया मतलब कोई भी इमेजेस या फिर वीडियोस वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, उसको ऐसे जगह प्लेस किया जाता है जहाँ पे ट्रैफिक सबसे ज़्यादा हो। मतलब ट्रैफिक का मतलब क्या होता है कि पब्लिक सबसे ज़्यादा वहाँ पे आती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा पब्लिक कहाँ पे जाती है, सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप में जाती है। ठीक है, व्हाट्सएप दिन भर यूज़ करते रहते हैं लोग, लेकिन व्हाट्सएप कभी भी एडवर्टाइजिंग नहीं करता है। ठीक है, सेकेंड आता है फेसबुक। ठीक है, फेसबुक में इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आजकल फेसबुक जो है नॉर्मल जो पोस्ट वगैरह है वो सब कम होते हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ पे हम लोग देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, वहाँ पे हम लोग बहुत सारे एड्स देखते हैं, वहाँ पे लिखे रहते हैं स्पॉन्सर्ड। हमने कभी भी उस चीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, या हम लोग उस बिजनेस को कभी फ्रेंड नहीं बनाए, लेकिन हम लोग तो भी उसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे जो पब्लिक आती है सबसे ज़्यादा, मतलब जो फेसबुक है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वहीं पे आता है। ठीक है, सेकंड आता है गूगल। ठीक है, गूगल सर्च इंजन जो होता है, सर्च इंजन में भी वहाँ बहुत सारे एडवर्टाइजर हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट जो है हर जगह हम लोग को देखने के लिए मिलता है इंटरनेट पे। ठीक है, बैनर एडवर्टाइजिंग इज अट्रैक्टिव बिकॉज इट कैन हेल्प क्रिएट ब्रांड ने ब्रांड अवेयरनेस, जनरेट लीड्स एंड रीटारगेट एन ऑडियंस, सच एज गिविंग ए विजिटर चांस टू साइन अप फॉर अ न्यूज़लेटर फॉर फ्री ट्रायल बिफोर दे क्लिक अवे। बैनर एडवर्टाइजमेंट जो है अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है बिकॉज, ठीक है, ये ब्रांड अवेयरनेस हम लोग को देता है। ठीक है, कोई भी एक मान के चलो हम लोग कंपनी खोले, उसका एक कोई बहुत अच्छा सा नाम हम लोग, अगर उस कंपनी का हम लोग प्रचार करेंगे, ठीक है, और हम लोग ऐसे जगह प्रचार करें जहाँ पे पब्लिक सबसे ज़्यादा आती है। ठीक है, मान लो कि एक दिन में 1 लाख पब्लिक उस वेबसाइट पे आ रही है, तो आपका जो कंपनी का ब्रांड है, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, उस वेबसाइट पे जाएगा। ठीक है, ठीक है, उस वेबसाइट के थ्रू 1 लाख लोगों तक पहुंच रहा है, मतलब 1 लाख लोग आपके ब्रांड को जान रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, वो एक ब्रांड अवेयरनेस बनेगा, उसके बारे में लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कोई भी, जैसे पीटर इंग्लैंड है, ठीक है, पीटर इंग्लैंड हो गया, ठीक है, या फिर वैन ह्यूसन है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, जैसे कि हम लोग शूज वगैरह लेते हैं, अडिडास हो गया, पूमा हो गया, नाइकी हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, ब्रांड है। ठीक है, हम लोग क्या है, सब आजकल ब्रांडेड लेते हैं, तो ब्रांड्स बनते कैसे हैं, जब तक लोगों तक तो पहुंचेगा नहीं उसके प्रोडक्ट की जानकारी, ठीक है, उसके प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, तब तक हम लोग नहीं जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं सुने होते हैं, ठीक है, जैसे LG होगा, सैमसंग हो गया, ठीक है, नोकिया हो गया, ठीक है, शाओमी है, ठीक है, शाओमी मोबाइल्स हम लोग यूज़ करते हैं, रेडमी, पोको, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते रहते हैं। तो ये सब क्या करती है, अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, कहाँ कहाँ पे करती है, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं। लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, ठीक है, ऐसे सब ऑनलाइन शॉपिंग हो, क्योंकि इनको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं। ठीक है, TV लोग देखते हैं, तो वहाँ पे भी दिखाता है कि नंबर वन स्मार्टफोन है, इस टाइप से, मतलब बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक ब्रांड बनाते हैं। ठीक है, पहले चाइनीज मोबाइल के नाम से हम लोग जानते थे शाओमी को, लेकिन आज के डेट पे वो मेड इन इंडिया बना रहा है, और मेड इन इंडिया वो बना रहा है, और जितने भी वेबसाइट्स है वहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो होता है वहाँ पे वो अपने एडवर्टाइजमेंट को प्लेस कर। तो इंटरनेट मार्केटिंग में सबसे अहम रोल होता है बैनर एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे जो बैनर एडवर्टाइजमेंट होता है जनरली उसका फंक्शन क्या होता है कि वो सबसे ज़्यादा यहाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग करता है। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि सीधी बात है कि हम लोग अगर किसी भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करेंगे तो पैसे लेके मार्केटिंग करेंगे, कोई भी फ्री में मार्केटिंग नहीं करता है कभी। ठीक है, कोई भी फ्री में मार्केटिंग नहीं करता है।
तो वैसे ही यहाँ पे जब भी हम लोग मार्केटिंग करेंगे तो उसको ट्रेडिशनल तरीके से ही किया जाता है। मतलब मान लो मेरा कोई भी कंपनी है, मैं अपने कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, नेट पे जाऊँगा, ठीक है, और वहाँ पे मैं कुछ वेबसाइट्स खोजूँगा जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे गूगल एड्स है। गूगल एड्स में गया मैंने, अकाउंट वगैरह बनाया, ठीक है, अपना जो भी बैनर है उसको अपलोड कर दिया और मैं उसको पे किया, ठीक है। तो अब उसमें हम लोग को एक फ़ायदा मिलता है। क्या फ़ायदा मिलता है कि जिस जिस वेबसाइट पे हम लोग उसमें जाएंगे, और उस एड्स को देखेंगे, जितने भी क्लिक होंगे उस एड पे, जितने भी क्लिक होते हैं, क्लिक के हिसाब से भी पैसे हम लोग को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द होस्ट इज पेड फॉर द बैनर एडवर्टाइजमेंट थ्रू वन ऑफ थ्री मेथड्स, कॉस्ट पर इंप्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं CPI, ठीक है, कॉस्ट पर इंप्रेशन। कॉस्ट पर इंप्रेशन मतलब क्या होता है कि हमने कोई भी एड देखा, उसमें गलती से भी क्लिक कर दिया तो उसका भी हम लोगों को कुछ अमाउंट मिलेगा, 5 पैसा, 10 पैसा, इस टाइप से अमाउंट मिलता है हम लोग को, ठीक है। हम लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन जिसका एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, उसको मिलेगा, जिसने एडवर्टाइजमेंट पोस्ट किया है उसको मिलेगा, ठीक है। सेकंड होता है कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, इसको बोलते हैं CPC, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक मतलब क्या होगा कि यहाँ पे देखो, पेमेंट फॉर एवरी वेबसाइट विजिटर हु क्लिक्स ऑन द एड एंड विजिट्स द एडवर्टाइजर वेबसाइट। कॉस्ट पर क्लिक मतलब क्या होगा, हमने एड देखा, उस पर क्लिक किया और वो रीडायरेक्ट कहाँ पे हुआ, एडवर्टाइजर की वेबसाइट पे, ठीक है। कॉस्ट पर इम्प्रेशन क्या होगा कि जिसने सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखा, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि एड्स देखकर पैसे कमाइए, ठीक है, हम लोग देखते हैं एड्स देखकर पैसे कमाइए, ठीक है, पैसे तो कमाएगा, लेकिन कमाएगा कौन, जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है आपको, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट दे रहा है ना। अगर मान के चलो 1 घंटे में अगर वो 100 एड भी देख रहा है, अगर उस देखने का सिर्फ 10 पैसा उसको मिल रहा है, 100 एड देखा मतलब कितना हो गया, 10 रुपये कमा लिया, ठीक है। ऐसे ही कम से कम 1,000 लोग और देख रहे होंगे, ठीक है, तो 1 घंटे में 10,000 कमा लिया, और 10,000 में से आपको कितना देगा, मुश्किल से 1% देगा उसमें, 100 रुपये, ठीक है, 50 रुपये, ऐसे हम लोग को देगा। हम लोग 150 भी अगर कमा ले रहे हैं 1 घंटे में तो भी बहुत है, ठीक है, लेकिन वो आपकी हेल्प से कितना कमा लिया, वो 10,000, 1 लाख रुपये कमा लिया, ठीक है। तो लोग सबसे ज़्यादा इसी में फंसते हैं, ठीक है, कमा कोई और रहा है, आपको उसका 1-1% बस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें होती है बैनर एडवर्टाइजमेंट, कॉस्ट पर इंप्रेशन और कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, दोनों के अलग अलग चार्जेस होते हैं, अलग अलग टाइप के हम लोग को यहाँ पे पैसे मिलते हैं जो भी एडवर्टाइजमेंट देता है, ठीक है, उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल बैनर एडवर्टाइजिंग जो है उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, जैसे कि फेसबुक एड्स, ठीक है, फेसबुक एड्स जानते हो कि फेसबुक एक ऐसा सोशल मीडिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो दिन भर ऑनलाइन रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज इससे जुड़ी होती है, ठीक है। इंस्टाग्राम स्पॉन्सर एड्स, ठीक है, इंस्टाग्राम क्या करता है, वो भी कुछ लेके कुछ पैसे वैसे लेके वहाँ पे स्पॉन्सर करता है उस ऐड को, ठीक है, कुछ भी पोस्ट अगर हम लोग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो पोस्ट जो है वो लाखों लोग देखें, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सर करते हैं। वैसे गूगल एड्स है, बहुत सारे एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऐसे हैं जो इस टाइप के एड्स करते हैं, ठीक है। इससे कुछ की पॉइंट्स हम लोग यहाँ देखते थे, बैनर एडवर्टाइजिंग रिफर्स टू यूज ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्राफिक डिस्प्ले दैट स्ट्रेचेस अक्रॉस द टॉप बॉटम और साइड ऑफ ए वेबसाइट, ठीक है। तो बैनर एडवर्टाइजिंग जनरली क्या होता है, एक ऐसा ग्राफिक होता है जो टॉप में, बॉटम में, साइड में, कहीं पे भी उसको लगाया जा सकता है, किसी में भी, ठीक है।
Today, banner advertising and virtually online advertising currently utilizes real-time bidding technology known as programmatic bidding. ठीक है, जनरली बैनर एडवर्टाइजिंग जो होगा या फिर जो भी वर्चुअली ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है, वो बिडिंग टेक्नोलॉजी यूज करता है. मतलब बिडिंग मतलब बोली लगती है. ठीक है, मतलब जितना ज्यादा अच्छा कंटेंट होगा, जितने ज्यादा हम लोग पब्लिक के बीच में हम लोग ले जाना चाहेंगे, उतनी ज्यादा उसकी बोली लगती जाती है. बोली का मतलब होता है कि वहां पे बिड किया जाता है. जैसे मान लो फेसबुक है, फेसबुक में या फिर यूट्यूब है, यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जिनके वीडियो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं. ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन यूट्यूबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी एक ब्रांड होती है, मतलब उनकी एक वैल्यू होती है. लोग उनके पास पहुँचते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनकी बातें सुनते हैं. ठीक है, उनको पता है कि मेरे पास इतने इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स है. ठीक है, तो जितने भी यूट्यूबर्स अपने अपने वहाँ पे बिड करते हैं कि ये एड जो है मैं इसका इतना दूंगा या इतना लूंगा. ठीक है, इस टाइप से बोली लगती है. ठीक है, तो ये सब रियल टाइम बिडिंग होती है. बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स होती है, उन लोग बिडिंग करते हैं, मतलब उन लोग के पास कुछ ऐसे टीम होती है जो ये एडवर्टाइजिंग पे बिडिंग करते रहती है. ठीक है, तो लगभग लगभग पूरा यही चीज़ है बैनर एडवर्टाइजमेंट जितना मैंने अभी बताया. ठीक है, तो जितने भी वेबसाइट है, मोबाइल ऐप्स है, या फिर जितने भी यहाँ पे हम लोग डिवाइसेस वगैरह देखते हैं, वहाँ पे सब में एडवर्टाइजमेंट को पोस्ट किया जाता है.